प्रशासन में इतिहास जैसे बोरिंग सब्जेक्ट की जरूरत है। यस सर, जरूरत जरूरत है सर। कैसे सर? इतिहास में हम अतीत का अध्ययन करते हैं सर, तो अतीत में हम विभिन्न शासकों के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो हम उस शासकों की नीतियों से ये सीख सकते हैं कि उन अपने किन नीतियों की वजह से सफल या असफल साबित हुए सर। दूसरा सर, इतिहास में हम ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का अध्ययन करते हैं, उन पर्यटन स्थलों को, ऐतिहासिक स्थलों को सर वर्तमान समय में पर्यटन स्थलों के रूप में डेवलप किया जा सकता है। तो ये एक प्रशासन के लिए सर अच्छा कदम साबित होता है। राजा हुआ करते थे, यस सर, उनके सब ही कानून होते, और अगर आज अगर उन चीजों को अपना लिया जाए तो संविधान का क्या? सर जो राजा भी होते थे सर प्राचीन, उनका भी नीतियाँ सर जय कल्याणकारी कानून पर ही होती थी सर, जैसे सर अशोक, तो और वर्तमान समय में भी सर संविधान में जन कल्याण पर भी ज्यादा बल दिया गया है। तो मुझे लगता है अभी भी सर इतिहास प्रासंगिक है। अच्छा, कोई अनुशासक है जो संविधान के अनुसार चल रहा था प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में? सर प्राचीन काल में तो अशोक सम्राट का जिन्होंने जब वो संविधान के अनुसार था, कोड ऑफ कंडक्ट था वहाँ पर, जिस तरह सर उनके आरंभिक कार्यों को छोड़ देता तत्पश्चात उसने सर संविधान के अनुसार जन कल्याण पर सबसे ज्यादा बल दिया। दूसरा सर उनके पर्यावरण संरक्षण की जो नीति थी सर वर्तमान संविधान के अनुरूप दिखाई पड़ती है। इतिहास से सीख लेते हैं, मुझे ये बताइए इतिहास की किन किन घटनाओं, जैसे आजकल चर्चा हो रही है मध्यकालीन इतिहास गैर प्रासंगिक, तो क्या उसकी प्रासंगिकता है या उसको हटा ही देना? इस संबंध में व्यक्तिगत राय है कि सर अभी मध्यकालीन भारत की मध्यकालीन इतिहास की प्रासंगिकता है सर। उसमें हम विभिन्न शासकों जैसे सर शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं, जिनकी नीतियाँ वर्तमान समय में प्रासंगिक महसूस होती है सर, वो खासकर सर प्रशासन में। जैसे शेरशाह ने सर अपने कार्यकाल में भू राजस्व और प्रशासनिक सुधार क्षेत्रों में अनेक कार्य किए, वहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व प्रणाली में और सर बाजार नियंत्रण प्रणाली में भी अच्छा काम किया। उनकी जो पीडीएस सिस्टम थी सर वर्तमान समय के अनुरूप दिखाई देती है। आपने इतिहास लेखन पढ़ा है? सर इस समय इतिहास लेखन नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं। और इतिहास का कौन सा कालखंड आपको चला? मुझे आधुनिक भारत सर अच्छा लगता है। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में नेहरू, गांधी, पटेल, तीनों की तीन कमियां बताइए सर। गांधी सर प्रथम है सर गांधी सॉरी सर सर तीनों शख्सियत में सर कमियां ढूंढना सर उनके प्रति सर मेरी समझ अधूरी दिखाई पड़ रही, लेकिन सर अगर उन्हें कमियाँ बतानी पड़े सर तो मैं व्यक्तिगत तौर पर सर एक एक कमियाँ से बता सकूँ। बताइए। तो सर प्रथम मैं गांधी जी के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि जो औद्योगिकरण की नीति थी सर वो मुझे सर वर्तमान समय के अनुरूप सर नहीं दिखाई पड़ती। वहीं सर नेहरू जी की जो कमियाँ मुझे दिखाई सर, उन्होंने ग्राम शासन के प्रति सर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। ग्राम शासन पर दिलचस्पी दिखाई उन्हीं के द्वारा पंचायती राज सरपथ में जो यूज किया कैसे नहीं दिलचस्पी दिखाई? सर उनकी दिलचस्पी थी सर, लेकिन जितनी दिलचस्पी मुझे सर गांधी जी के बारे में गांधी जी के थी सर ग्राम स्वशासन के प्रति सर, कहीं ना कहीं सर गांधी जी की तुलना में सर नेहरू जी की ग्राम स्वशासन के प्रति दिलचस्पी थोड़ी कम थी मुझे सर व्यक्तिगत। गांधी जी प्रासंगिकता है, तीन पॉइंट बताइए जो गांधी जी आदि प्रासंगिक जिसको हम यूज कर सकते हैं उनकी विचारधारा से। सर प्रथम पॉइंट में सर उनकी जो सर्वधर्म संभाव की जो नीति थी सर,
वो मुझे प्रासंगिक दिखाई पड़ते हैं। तीसरा सर उनके समाज के जो वंचित वर्ग थे उनके और महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण थे सर वो मुझे वर्तमान समय प्रासंगिक दिखाई पड़ते हैं। तीसरा जो पर्यावरण संबंधी जो उनके विचार थे तो पर्यावरण की भी उतनी ही रक्षा की जानी चाहिए जितनी मानव जाति के अन्य जंतुओं की, तो वो मुझे सर प्रासंगिक दिखाई पड़ते हैं। एक राइट टू डाई से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट है उनका। सॉरी सर मैं समझ नहीं। राइट टू डाई, राइट मरने का अधिकार, यस से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है उनका और उसी को कोट करके अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। क्या क्या है क्षमा चाहूंगा सर मैं इससे अलग। अच्छा जी कोई बात नहीं। क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए क्यों सफल नहीं? क्रांतिकारी आंदोलन के न सफल होने के वजह पीछे मैं सर प्रमुखतः दो वजह मानता हूँ। पहला जो इनमें जो जनाधार थी सर वो जन सामान्य लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए, मुख्यतः सारे शिक्षित वर्गों के बीच अपनी जगह बना पाया। दूसरा इसमें कहीं ना कहीं कुछ बिंदुओं पर सर धार्मिक बिंदुओं को भी उठाया गया जिसने सर समाज के अन्य समूह के लोगों को इससे कहीं ना कहीं दूर रखा गया। अच्छा आजकल राष्ट्रवाद की काफी चर्चा हो रही है, राष्ट्रवाद क्या सर? राष्ट्रवाद से तात्पर्य सर लोगों किसी राष्ट्र विशेष के लोगों के बीच एकता की भावना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों इसे राष्ट्रवाद को संकीर्ण अवधारणा माना? सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का राष्ट्रवाद सर अंतर्राष्ट्रीयवाद अंतर्राष्ट्रीयतावाद से जुड़ा हुआ था। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद किन्हीं एक क्षेत्र विशेष की सीमाओं के बीच बंद नहीं होना चाहिए, मुझे विश्वव्यापी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं में भाग लेनी चाहिए और जितनी अन्य देशों की समस्या से भी हमें मतलब उससे कुछ सीख लेनी चाहिए सर। वैश्विकरण के संदर्भ में उनका राष्ट्रवाद था। क्या उसकी जरूरत है या संकीर्ण अवधारणा वाली राष्ट्रवाद की जरूरत? नहीं सर मुझे लगता है वर्तमान वैश्विकरण के युग में सर राष्ट्रवाद की अवधारणा की ज्यादा प्रासंगिक दिखाई पड़ती है। तो आप अंतर्राष्ट्रीयवाद से जुड़ के रखना चाहते हैं? यस सर। और राष्ट्रीय राज के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? राज्य सर राज्य के चार प्रमुख घटक होते हैं सर। एक निश्चित क्षेत्रफल होनी चाहिए और उसमें जनसंख्या होनी चाहिए, एक निश्चित सरकार होनी चाहिए सर और वो सरकार संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभु का सर संप्रभुता से तात्पर्य सर ये होता है कि जो भी सरकार हो वह स्वतंत्र रूप से बाहरी या अंतर निर्णय ले सके सर अपनी विदेश नीति के संदर्भ में, किसी बाह्य शक्ति के दबाव में वह निर्णय लेने के लिए बाध्य न हो। वर्तमान राज्य सरकार के तीन महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको सबसे अच्छी लगती है? सर उनकी विदेश नीति सर ज्यादा राज्य सरकार राज्य सॉरी सर राज्य सर पहला तो सर न्याय के साथ जो विकास की उनके सब संकल्पना सर वह मुझे अच्छी लगती है। दूसरा महिलाओं के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है सर वह कहीं ना कहीं ज्यादा अभी दिखाई पड़ता है सर। तीसरा सर शिकायत निवारण की जो प्रणाली अपनाई गई है वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सर जैसे सर जनता दरबार इत्यादि से वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। बिहार सरकार की शराबबंदी नीति के बारे में क्या कहें? बिहार सरकार ने वर्ष 2016 में सर शराबबंदी की नीति अपनाई थी जिसमें सर शराबबंदी राज्य शराब बेचने आप स्थिति से सहमत हैं? आप सहमत शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर इस संबंध में मेरी व्यक्तिगत राय है कि सर राज्य सरकार की जो नीति शराबबंदी के प्रति है सर वो सही है और मैं इसके किसानों के पक्ष हूँ। आपके अनुसार बाजार देश में सरकार तय करे कि हम क्या खाएं और क्या? सर ये सरकार को तय तो नहीं करना चाहिए सर लेकिन मुझे इसके शराबबंदी के लगाने के पीछे जो कारण है सर उसे समझना होगा क्योंकि सर समाज के कुछ वर्गों को स्वतंत्रता देकर सर बड़े वर्गों को मतलब सर मतलब दुख में नहीं छोड़ा जा सकता है सर। राज्य में शराब पीकर जिस तरह के अत्याचार होती थी सर महिलाओं या परिवार में बच्चों पर
संदर्भ में सर वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया कदम से उन्हें सही प्रतीत होता है। महिलाओं के अत्याचार कई कारणों से हो सकते हैं, वो दहेज की वजह से हो सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हो सकते हैं, उसके लिए सरकार के कानून में घरेलू हिंसा कानून, दहेज उत्पीड़न का कानून बहुत सारे हैं। अकेले महिलाओं के अत्याचार के लिए शराब को बदनाम करना सही है? सर महिलाओं का अत्याचार के और भी कारण हो सकते हैं सर, लेकिन उन सब कारणों के निवारण के लिए भी कानून बने हुए हैं सर, उसी में एक शराब में ये भी एक बड़ा फैक्टर था सर, उसके लिए भी कानून बनाया जाना सर मेरे अनुसार सही। एक ही राष्ट्र में, एक ही देश में, एक राज्य में मैं शराब पीता हूँ तो गैर कानूनी हो जाता है, दूसरे राज्य में पीता हूँ तो पूर्णतः कानूनी है, इन समस्या से समाधान के लिए क्या होना चाहिए? सर शराबबंदी का जो कानून है सर क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों को देखकर लगाएंगे, अगर वर्तमान सरकार को ये लगे कि मेरे क्षेत्र में सर शराबबंदी होनी चाहिए और दूसरे राज्य की सरकार को लगे कि मेरे यहाँ सर उस तरह की समस्या नहीं होती है तो वहाँ शराबबंदी नहीं होना चाहिए, तो इस संबंध में मुझे लगता है सर यह सही डिसीजन है कि क्षेत्र विशेष की समस्याओं को देखकर अगर निर्णय ली जाती है तो उस समस्या का बेहतर समाधान हो पाएगा। बिहार के जो आप बात कर रहे हैं क्षेत्र विशेष की समस्या का, बिहार का तीन मुख्य समस्या क्या है सर? एक तो इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण बाढ़ की समस्या है सर, बिहार की भौगोलिक स्थिति समस्या है, तीन मुख्य समस्या क्या है बिहार सर? एक जल प्रबंधन सर, बाढ़ और सूखा की समस्या है, दूसरा अभी भी कहीं ना कहीं सर प्रशासनिक क्षमताओं का अभाव है सर, नक्सल अभाव या गुंडागर्दी जैसी समस्याएं देखी जाती है सर, तीसरी समस्या सर मैं इसे शिक्षा के क्षेत्र में मानता हूँ सर, क्योंकि अब अशिक्षा के स्तर पर भी देश और सॉरी सर राज्य में भी सबसे निचले पैमाने आजादी के समय भी हम सबसे पिछड़े थे और आज 70 साल बाद भी हम सबसे पिछड़े हैं, कितना और समय लगेगा आपके हिसाब से बिहार सर? बिहार अभी भी सर कुछ मान हुआ पिछड़ा जरूर हुआ है सर, जरूर है सर, लेकिन विकास के इसने विभिन्न पैमानों पर सर बेहतर काम जरूर किया है और काम इस जैसे सर इंफ्रास्ट्रक्चर में सर, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में देख सकते हैं सर विकास हुआ है, दूसरा सर महिलाओं के प्रति जो नजरिया था उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया सर, महिलाएं भी आगे और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं विभिन्न कारण से, तीसरा सर जो भी वंचित वर्ग थे उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की सर कोशिश अच्छे चल रही है सर। अच्छा क्वेश्चन आप पूछे, आप किसी क्षेत्र में SDM हैं? यस सर। और वहाँ की एक बहुसंख्यक जनता जो है एक मस्जिद को क्लेम करती है कि हाँ मंदिर हुआ करता था और उस मस्जिद को गिराना चाहते हैं, आप उस क्षेत्र के SDM आप क्या सर? सबसे पहले तो मैं उस क्षेत्र पर जाकर जो भी लोग दावा करते हैं इस संबंध में जो भी वहाँ के सर प्रमुख होंगे उनसे मैं वार्तालाप करना चाहूँगा सर, और उनकी अगर ये पुरजोर कोशिश करते हैं कि नहीं यहाँ पर मंदिर था ही तो मैं सर इसकी सूचना सर ऊपर के अधिकारियों या सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है सर उसको दूंगा और ये उसकी जिम्मेवारी है कि सर वो वहाँ जाँच करे, तब तक मैं लोगों को ये आश्वासन दिला सकता हूँ कि ये काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास पहुंच गया है, वो इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे, इस संबंध में किसी भी तरह का पब्लिक डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए। कोई